सही? भाव के बारे में कुछ पता चला क्या? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। मुझे भी बहुत चिंता हो रही है। पुलकित सर का कोई कॉल बैक ही नहीं आया। आपको कोई उनका वॉइस नोट आया हो, कुछ मैसेज, कुछ तो आया होगा? अभी तक तो कुछ नहीं। पता है ताई, आज ना काकू, मतलब वो देवी ताई की आई है ना, जो पुलकित सर और देवी ताई की शादी के बहुत खिलाफ थी शुरू से, आज काकू पुलकित सर से खुद मिलना चाहती है। और अपनी जिंदगी के इतने इम्पोर्टेंट दिन पुलकित सर पता नहीं कहाँ गायब हो गए हैं। आपकी उनसे कोई भी बात हो ना, आप उनको जरूर बताइएगा ये सारी बातें, और उनको बोलिएगा मुझे फौरन कॉल बैक करें। मैं बस यही उम्मीद कर सकती हूँ कि इससे पहले काकू अपना फैसला बदले, पुलकित सर वापस आ जाए। अब सच्ची देवयानी की आई भाऊ के मिलने के लिए तैयार हो गई? अब सही, तुम्हें पता है भाऊ ने मुझे हमेशा कहते हैं कि अगर इस शादी के कोई सबसे ज्यादा खिलाफ है तो वो है देवयानी की आई। पुलकित सर का कहीं पता नहीं चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पुलकित सर को कहाँ ढूंढूं, कैसे ढूंढूं? मेरे पास वक्त बहुत कम है। करिश्मा? नमस्ते काकू। मस्त मस्त, अच्छा हुआ तू आ गई। मैंने पत्र लिखा को मायके भेजा है, अब कुछ दिन बेचारी आराम कर लेगी। मतलब अब मुझे डबल काम करना पड़ेगा? फंस गई करिश्मा। चलो अब गप्पा गोष्ठी हो गई तो काम पे लग जाओ। जी काकू। अश्विनी, तुम्हारी बहू कहीं दिखाई नहीं दे रही, पुलकित को कितने बजे बुलाया है? पता नहीं है, लेकिन बोल तो रही थी कि पुलकित को फोन कर रही हूँ करके, लेकिन फोन नहीं उठा रहा है पुलकित। उठा नहीं रहा है मतलब? मैं जाके देखती हूँ। ये मेरा पुलकित आ गया, मेरा पति आ गया, मेरा पति आ गया। तू अकेले? पुलकित कहाँ है? छुपने बोला है ना कहीं? ऐसे मत करना जाई, प्लीज उसे बोलना बाहर आने के लिए, बोलना। ताई ऐसा नहीं है। नहीं, तू मेरे साथ गम्मत कर रही है ना? मुझे पता है ये पुलकित को कहीं छुपा है। पुलकित? 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 ताई, पुलकित? ताई, पुलकित से नहीं आए अभी। क्यों नहीं आए? तू उसे बुलाने गई थी ना सही? तू कहाँ है? कहाँ है पुलकित? बताना सही, बताना। ताई प्लीज शांत हो जाइए। देवयानी जी, ऐसे दिल छोटा मत करो, पुलकित जी आपसे मिलने जरूर आएंगे। क्या वो? ताई बोला कहाँ है? ताई 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 सही सही। काकू, पुलकित सर से मेरी सुबह से बात नहीं हो पा रही है, पता नहीं आज वो कहाँ बिजी हैं। तूने उसे बताया कि मैं उसे मिलना चाहती हूँ? मैंने उन्हें बहुत बार कॉल किया, उन्हें मैसेजेस भी भेजे और वॉइस नोट्स भी भेजे हैं, लेकिन उनका कोई कॉल बैक नहीं आया है। माधुरी ताई को भी नहीं पता कि वो आज कहाँ गए। जाएगा कहाँ? भाग गया होगा। मक्कार और धोखेबाजों का और काम ही क्या होता है। नीनाद, ऐसे क्यों बोल रहे हो? अरे दादा, बिल्कुल ठीक तो बोल रहे हैं भाई। नहीं, अब जब पुलकित की सच्चाई सामने आ गई है तो आपके सामने अपना मुंह दिखाएगा भी तो कैसे? मुझे अच्छे से पता है कि तुम दोनों पुलकित से मिलने के मेरे फैसले से सहमत नहीं हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि कोई भी बकवास करते रहो। अरे पुलकित को पता ही नहीं है कि मैंने उसे मिलने बुलाया है, सही, और उसकी कोई बात नहीं हुई है, फिर वो भागेगा क्यों? क्योंकि वही नहीं, उसे पता चल गया होगा कि विराट ने उसके पर्सनल रिकॉर्ड्स में संगीता देशपांडे का नाम देख लिया है। बस वो समझ गया उसका पर्दाफाश हो गया है, भाग गया। हाँ। लेकिन
ये बात उसे कैसे पता चल सकती है? ये बात सिर्फ घर के सदस्यों को पता थी। बड़ी मशहूर कहावत है वैनी, घर का भेदी लंका ढाए। और इस घर के भेदी ने अभी तक पुलकित को तो बता ही दिया होगा कि विराट को उसके खिलाफ सबूत मिल गए। हाँ, मैंने पुलकित सर को बताया है। और उसके बाद उस मक्कार से तुम्हारी कोई बात हुई है? नहीं, लेकिन बाबा। बस 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 बस, और वकालत की जरूरत नहीं है। देखिए वहनी, देखिए, समझने की कोशिश कीजिए मैं और ओंकार क्या कह रहे हैं। लेकिन मैं तो पुलकित को उसकी बेगुनाही साबित करने का एक मौका देना चाहती हूँ। सही ने उसे ये बात बताई भी तो फिर भी ये भागेगा क्यों? आप अपनी ममता में इतनी बह गई हैं ना कि आप समझ नहीं पा रही हैं कि पुलकित झूठा है, गुनहगार, इसीलिए सही का मैसेज पढ़ के वो गायब हो गया। जब उसके पास कोई सबूत ही नहीं है तो अपनी बेगुनाही कैसे साबित करेगा, बताइए आप। आप मेरे पुलकित के बारे में झूठ झूठ बोल रहे हो। आप गंदे हो, गंदे हो, गंदे हो। बस बस नीनाद, ओमकार, कुछ नहीं बोलोगे अब तुम दोनों। पहले मेरे बेटे की हालत नाजुक है, मैं नहीं चाहती कि और बिगड़े। अब तुम दोनों इससे कोई बात नहीं करोगे, पर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ लो। जाओ यहां से। अगर पुलकित सच्चा है तो सही के कहने पर वो मुझसे मिलने जरूर आएगा। पुलकित सर का क्या? पुलकित का मैसेज है? ये पुलकित का मैसेज है। क्या लिखा है मैसेज में? मैसेज में लिखा है कि मैं भवानी काकू से नहीं मिलूंगा। क्या वो मुझसे मिलना नहीं चाहता? लेकिन क्यों? इतने दिनों से तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, और आज जब साबित करने का मौका मिल रहा था तो रफू चक्कर हो गया। क्या रे, तू यहां तड़प रहा है और तुझसे कोई बात करने को वहां तड़प रहा है? तेरे मैसेजेस का जवाब तो मैंने दे दिया है, अभी तू बोले तो ये कॉल का भी जवाब दे दूं? हाँ, दे दूं क्या? चल जाने दे। अभी क्या है ना, अगर मेरी आवाज की वो फैन हो गई तो गड़बड़ हो जाएगी। करेक्ट बोला ना? किसी ने मेरा फोन क्यों काट दिया? और ऐसे मैसेज करने का क्या मतलब? फोन ऑफ कर दिया?
पुलकित सर मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? दादा, उस पुलकित ने, मेरा मतलब है दादू हलिया ने, जब सई का फोन काटा, देखने लायक शक्ल हो गई थी उस जंगली मुर्गी की, है ना? बहनी के एक्सप्रेशन तो कमाल थे दादा। अरे मोहित को एक्टिंग करनी बहनी से ही सीख लेनी चाहिए। एक्टिंग नहीं कर रही थी मैं। तुम दोनों को क्या लगा मुझे बेवकूफ बनाकर खेल खेल लोगे? दोनों ने अभी मुझे समझा ही कहां है। जो मैं दिखती हूं वो मैं हूं नहीं, और जो मैं हूं वो कभी किसी को दिख ही नहीं सकती। जंगली मुर्गी की हालत देखकर मुझे इतनी हंसी आ रही थी कि तुम लोग सोच भी नहीं सकते। मुझे पता है कैसे मैंने अपनी हंसी रोककर रोने का नाटक किया। नहीं, आपकी तो दाद देनी पड़ेगी। क्या फुल प्रूफ प्लान बनाया था आपने? वाकई बहन, आपका आइडिया कमाल का था। खेल कोई भी हो, भवानी नागेश चव्हाण ने सिर्फ जीतना सीखा है। मैं उनमें से नहीं हूं जो अपनी बात मनवाने के लिए लोगों के आगे पीछे घूमती फिरे। मैं उनमें से हूं जो लोगों को एहसास भी ना होने दे कि वो मेरी बात मान रहे हैं। पुलकित के खिलाफ जाकर उसे सबकी नजरों में गलत साबित करने के बजाय उसका साथ देने का नाटक करके मैं सबके सामने उसे गलत साबित करूंगी। फिर सिर्फ मैं नहीं, पूरा घर उसे गलत, धोखेबाज और मक्कार समझेगा। बहनी, इसीलिए पत्र लिखा को आपने उसके मैं के भेज दिया? वो एक भरोसेमंद सिपाही बन चुकी है। उसे अभी सिप्पे सलार बनने में थोड़ा वक्त लगेगा। कहीं वो ये बात जान जाती और उसका जमीर जाग जाता तो हमारे लिए मुश्किल हो जाती। मानना पड़ेगा, एक एक कदम सोच समझ के उठाया आपने, कमाल है। ऐसे ही नहीं, इस घर को इतने सालों से संभाल रही हूं मैं। घर को घर बनाए रखने के लिए हर चाल चलनी पड़ती है। साम दाम दंड भेद सब करना पड़ता है, तभी तो सामने वालों को मिलती है शे और मात। उस जंगली मुर्गी में ठहराव नहीं है, इंसान में ठहराओ। स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई करके नहीं, उम्र और तजुर्बे से आता है। उस खलकियाई लड़की ने सोचा वो हमें मात देगी। मेरी बीमार बेटी की शादी उस दो टके की नौकर के साथ करवा के क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। समझ गए ना तुम क्या करना है? जहाँ पे देवयानी का नाम लिखा हुआ है वहाँ पे मुझे संगीता देशपांडे का नाम चाहिए। और हाँ, एक पुलिस वाला आएगा पूछताछ करने के लिए,
उसे तुम संगीता देशपांडे वाला डॉक्यूमेंट दिखाना। इतने पैसों में तो मैं आपको जीती जागती संगीता दिखा दूं। समझिए आपका काम हो गया। और हाँ, एक लड़की भी आएगी। सही जानते होगे तुम, पुलकित के साथ आई थी तुम्हारे पास। अगर वो तुमसे कोई फाइल मांगती है तो उसे कुछ भी मत दिखाना। ओके सर, फिक्र मत कीजिए, आपका काम हो जाएगा। मैं सही को अच्छी तरह से जानती हूँ। वो आज नहीं तो कल इस बात का जरूर पता लगा लेती कि संगीता नाम वाला डॉक्यूमेंट फर्जी है, और फिर वो विराट को इस बात का यकीन दिला देती कि ये सब पुलकित को झूठा साबित करने की एक साजिश थी और कुछ नहीं। अगदी बरोबर वहनी। अच्छा, तो इसलिए आपने ये प्लान रचा। ही अगर सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। मैं समझ गई थी कि सही को हराने के लिए कोई दूसरी चाल चलनी पड़ेगी, और फिर इससे अच्छा मौका था नहीं मेरे पास। विराट जो यहां नहीं था, एक तरफ मैंने सही को इमोशनल करके पुलकित को एक और मौका देने का ढोंग रचा, और दूसरी तरफ पुलकित को उठवाकर उसे भगोड़ा साबित करने की पूरी तैयारी कर ली। लेकिन वहीनी, आपको लगता है कि सई ने पुलकित को भगोड़ा मान लिया है? नहीं, वो इतनी आसानी से नहीं मानने वाली। उसे पुलकित पर बहुत भरोसा है। लेकिन एक बात याद रखना निनाद, शक के बोए बीज को पेड़ बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। अब तुम दोनों सुनो, कल क्या करना है। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।